तो मेरे पास है गाइस एक व्हील चेयर वाली साइकिल, जिसको तुम लोग ट्राई साइकिल भी बोल सकते हो। काफी ज्यादा मस्त साइकिल है और इसको लेकर मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। अब तुम लोगों को तो पता ही है भाई, जब भी मैं कोई बेकार सी दिखने वाली व्हीकल या अजीब सी व्हीकल लेकर जाऊँ एयरपोर्ट की तरफ, तो इसका मतलब है आज हम लोगों को कोई गॉड व्हीकल मिलने वाला है। लास्ट टाइम तुम लोगों को याद होगा गाइस, हम लोग एक टूटी फूटी गाड़ी लेकर गए थे लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पर, और वहां पर शिनचैन और पिनचैन ने भाई टेलीपोर्टिंग पोर्टल लगा रखा था। उस पोर्टल की स्पेशलिटी ये थी गाइज कि उस पोर्टल से निकलते ही हमारी गाड़ी तो अपग्रेड होती है, बट हम लोग किसी रैंडमली किसी और जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और फिर वहां पर हमें कोई पोर्टल ढूंढना होता है, फिर उस पोर्टल के थ्रू हम लोग जाते हैं, तो फिर उस जगह से फिर किसी और दूसरी जगह पर हम लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हमारी गाड़ी अपग्रेड हो जाती है। तो भाई पिछली बार बहुत ज्यादा मजा आया था उस वाले पोर्टल के अंदर से, मैंने अपनी कार को अपग्रेड किया था, और सेम आज उसी तरीके से आज हम लोग गाइज बाइक को अपग्रेड करने वाले हैं, और बाइक अपग्रेड करके बनाने वाले हैं गॉड बाइक। तो आज देखते हैं किन किन लोकेशंस पर, किन किन अजीबोगरीब जगहों पर हम लोग टेलीपोर्ट होते हैं। भाई मजा बहुत ज्यादा आता है, कुछ भी कहो भाई, पोर्टल में से निकलते ही भाई दिल एकदम धक धक होने लग जाता है कि भाई अगली बार हम लोग कहां टेलीपोर्ट होंगे, और फिर अगली बार हमें बाइक कैसे मिलेगी। तो इस चीज में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लास्ट वाला एपिसोड तुम लोगों ने देखा होगा तो अच्छी तरीके से तुम लोगों को पता होगा यार हमारा पोर्टल किस तरीके से वर्क करता है। तो अभी जल्दी से चलते हैं अंदर। हेलो सर, गेट खोल दो। अरे भैया लड़ क्यों रहा है, गेट खोल दे। सर से कब से बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रही क्या? अरे भाई गेट खोल, तेरी ऐसी की तैसी गेट। ओ गिर गया। अरे मैं तो भूल ही गया था यार मैं साइकिल से हूँ, बाइक या फिर गाड़ी से थोड़ा ना, बट ना बाइक गाड़ी से तो मैं इंतजार नहीं करता भाई इसके बैरिकेड खोलने का, उड़ा के चला जाता हूँ। खैर साइकिल से तो मैं खुद ही गिर गया। तो आ चुका हूँ मैं एयरपोर्ट पर, शिनचैन और पिनचैन जहाँ तक हैं यहीं कहीं होंगे, बट कहाँ पर आई डोंट नो। ओ वो रहे सबके सब, चलते हैं गाइज इनके पास। और सामने की तरफ वो देखो गाइज, वो टायर वाला पोर्टल देख रहे हो तुम लोग, वही है हमारा टेलीपोर्टिंग मैजिकल पोर्टल जो कि बहुत ही एपिक है। कैसे हो भाई शिनचैन पिनचैन और चौप? क्या बात है, आप कल भी बढ़िया है एकदम। वैसे ये क्या लेकर आया है तुम लोगों ने? तो बोला तो कोई अजीब सी दिखने वाली मोटरसाइकिल लेकर आना है, तो मोटरसाइकिल बोला था, ये क्या लेकर आ गया तू? अरे हाँ यार ये मोटरसाइकिल का ही है, तो साइकिल है यार, इसमें भी छोटी सी मोटर लगी होती है पीछे। अच्छा भाई साहब कल हुए, अरे जरा चलाकर दिखाना इसे। ये देखो भाई, अरे इसके तो चार पहिया है यार। चार पहिया है बट इसे मैं ट्राई साइकिल बोल रहा हूँ कब से। अरे जो भी हो यार तुम इसे क्यों लाए हो, हम तो बाइक को अपग्रेड करने वाले हैं यार। अबे ये भी एक तरीके से बाइक ही है भाई, जब इसके अंदर मोटर लगी हुई है तो ये भी तो बाइक ही हो गई। अरे ठीक है यार चलो अब जंप लगा दो पोर्टल के थ्रू। वैसे आज कहाँ टेलीपोर्ट होगा मैं? अरे वो हमें क्या पता यार, वो तो जब तुम जंप लगाओगे पोर्टल के थ्रू तब तो खुद ही पता चल जाएगा। तो ठीक है गाइस चलते हैं फटाफट से, वो रहा पोर्टल, बाकी शिनचैन और पिनचैन हमें देखते रहेंगे अपने ड्रोन की हेल्प से। और वापस से गाइस ये लोग ही रेटिंग देने वाले हैं। भाई तुम लोग ही रेटिंग दोगे? अरे हाँ यार नेक्स्ट व्हीकल अपग्रेड होते ही हम तीनों में से बताएंगे यार कि गॉड बाइक बनने लायक है कि नहीं वो वाली बाइक। अच्छा, और जब गाइस किसी बाइक को इन तीनों से यस मिल जाएगा उसे हम लोग फाइनली डिक्लेयर कर देंगे एक गॉड बाइक। आई थिंक तुम लोग समझ गए होगे, और अगर नहीं समझ पाया तो देखते रहो यार समझ जाओगे, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। लेट्स गो। तो वो रहा अपना टायर वाला टेलीपोर्टिंग मैजिकल पोर्टल, और हमारे पास है मोटरसाइकिल बाइक के नाम पर ये ट्रायल साइकिल। अभी इसे घुमाते हैं एकदम मस्त तरीके से और चलते हैं फुल स्पीड में पोर्टल की तरफ, और देखते हैं गाइस आखिर में हम लोग इस बार कहाँ टेलीपोर्ट होते हैं। वैसे पिछली बार मैंने गाड़ियों का यूज किया था तो मैं इस वाले पोर्टल के बाद सीधे गया था माउंट चिलियाड के टॉप पर टेलीपोर्ट हुआ था। आज देखते हैं गाइस अपनी इस ट्राई साइकिल से मैं कहाँ टेलीपोर्ट होता हूँ। लेट्स गो। अरे यार इसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल है। बाकी सामने है पोर्टल अपने, देखते हैं कहाँ हम लोग टेलीपोर्ट होते हैं। फिलहाल के लिए लगाते हैं इसके थ्रू जंप, और ये हो चुके हैं टेलीपोर्ट। और वेट, ये कहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया मैं? ओ वेट, अपनी जो ट्राई साइकिल थी गाइस वो तो एकदम मस्त सी दिखने वाली बाइक में अपग्रेड हो गई। यस लिटरली मैं बाइक तो काफी अच्छी बन गई है यार ये, बट इसकी सीट कितनी डैमेज्ड है यार, पुराने जमाने की सीट लग रही है। और इसका ऑयल टैंक फ्यूल टैंक भी देखो यार, पूरा ऊपर से जंग लगा पड़ा है, इधर भी जंग ही जंग लगी पड़ी है, इसके हैंडल में भी जंग लगी हुई है। बट पेंट जो है गाइस काफी डिफरेंट टाइप का हो रखा है, जैसे ऊपर यहाँ पर देखो ये जो है ये पर्पल कलर का है, नीचे वाला एरिया पूरा पिंक है, और इस पर्पल कलर वाली चीज पे ब्लूइश थोड़ी चमक टाइप की है। बाकी हाँ हम लोग डेफिनेटली बिल्कुल एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट हुए हैं भाई। लास्ट टाइम मैं माउंट चिलियाड का टॉप पर टेलीपोर्ट हुआ था, ये पता नहीं कौन सी जगह। वेट, अरे ये तो लॉस सैंटोस का सी पोर्ट है।
हाँ 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 और एयरपोर्ट उधर है भाई, शिंजन मिंजन में जस्ट बगल में टेलीपोर्ट हो गया इस बार। अरे यार खुशी छोड़ो, अब जल्दी से यार हमसे रेटिंग पूछो ना। अच्छा हाँ हाँ बताओ भाई, कितनी रेटिंग देना चाहोगे, मतलब तुम लोगों में से कितनों के लिए ये गॉड बाइक है? क्या बात है आपको, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये गॉड बाइक, सबसे बकवास बाइक लग रही है मेरे को तो ये। और भाई पिंचन तेरे लिए? अरे मेरे लिए तो ये गॉड बाइक है यार, इसका कलर देखो पिंक पिंक क्या मस्त लग रहा है, और ये ब्लू कलर की जो फिनिश है वो तो एकदम ओपी है यार। और भाई शिनचैन तेरे लिए ये गॉड बाइक है या फिर नहीं? अरे मेरे लिए भी ये गॉड बाइक नहीं है यार, पता नहीं इस पिंचन के बच्चे को कैसे पसंद आ गई है। ओके गाइस, तो रिजल्ट तुम लोग देख सकते हो, हम लोग गॉड बाइक से तब तक डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक 3 वोट में से तीनों के तीनों यस ना बोल दें। तो इस बार इस वाली बाइक के लिए सिर्फ और सिर्फ पिंचन ने यस बोला है, बाकी चौप और शिनचैन ने तो भाई बिल्कुल ही मना कर दिया इस बाइक को गॉड बाइक बनाने से। तो हम लोग इसे गॉड बाइक नहीं डिक्लेयर करेंगे, हम लोग गॉड बाइक सिर्फ उसी बाइक को बनाएंगे जिसके लिए भाई तीनों शिनचैन पिंचन और चौप तीनों कहें कि हाँ भाई ये है गॉड बाइक बनाने लायक, तो फिर उसे गॉड बाइक बनाएंगे। बाकी हम लोग इस जगह पर आ चुके हैं, अब यहाँ पर भी कोई ना कोई पोर्टल होगा गाइस, हम लोगों को बस वो पोर्टल ढूंढना है, उसके नीचे से निकलना है, और नीचे से निकलते ही फिर से हम लोग किसी रैंडम जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे और हमारी बाइक वापस से रैंडमली अपग्रेड हो जाएगी। और पोर्टल भी गाइस तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई जैसे वो टायर वाला पोर्टल होगा वैसा ही पोर्टल होगा जिसको देखकर पता चल सकता है, नहीं पोर्टल भी भाई बिल्कुल यूनिक यूनिक छुपे हुए हैं, हम लोगों को खुद दिमाग लगा के पता करना है कि ओ ये है क्या पोर्टल, बाकी कहीं ये तो नहीं है पोर्टल, नहीं नहीं ये तो एक ऐसी सबवे टाइप का लग रहा है एरिया, पोर्टल कहाँ हो सकता है, पोर्टल कहाँ हो सकता है, कोई गेट जैसा इलाका दिख रहा है क्या तुम लोगों को, वही जगह होगी शायद पोर्टल, मुझे तो ओ समझ गया, वो सामने तुम लोग देख रहे हो भाई ये वाला पिलर, इसके नीचे से अगर हम लोग निकलेंगे शायद तो फिर हमारी जो बाइक है वो अपग्रेड भी हो जाएगी और शायद हम लोग डिफरेंट लोकेशन पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे, मुझे तो लग रहा है गाइस यही है सामने वाला पोर्टल। तो चलो फिर लगाते हैं इसके थ्रू जंप और देखते हैं हम लोग कहाँ टेलीपोर्ट होते हैं इस बार और हमारे पास कौन सी बाइक आती है। लेट्स डू दिस फुल स्पीड, सामने है पोर्टल, लगाते हैं जंप। ओके तो यहाँ पर हमारी बाइक, ओह तेरी, ओ भाई पिछली बार जो जंग लगी हुई बाइक और अजीबोगरीब बाइक थी वो तो पूरी चेंज हो गई, ये देखो क्या क्रोम फिनिश के साथ ये बाइक आ चुकी है हमारे पास, उसका व्हील देखो आगे वाला पीछे वाला व्हील देखो, इसकी बैक सीट के लिए ये बैक रेस्ट देखो यार, और इसका कलर देखो भाई येलो एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन, बाइक पूरी लिटरली में चेंज हो गई गाइज। तुम लोग सोचो भाई हमारे पास सबसे पहले एक ट्राई साइकिल थी, ट्राई साइकिल से हम लोग अपग्रेड हुए वो जंग लगी हुई बाइक में, और अब देखो इतनी खतरनाक सी दिखने वाली मोटरसाइकिल। भाई शिनचैन में पिंचन कितने लोग इसके लिए गॉड बाइक बोलना चाहोगे? अरे यार मेरी तरफ से तो ये गॉड बाइक है यार डेफिनेटली। शिनचैन भाई तेरी तरफ से ये गॉड बाइक है? अरे बिल्कुल यार, इसका कलर देखो क्या मस्त लग रही है, और इसके व्हील्स तो देखो यार बिल्कुल क्रोम वाले है, इनको व्हील्स पसंद आ रहे हैं इसलिए गॉड बाइक बता रहे हैं यार ये लोग। चौप भाई तू बता तेरे लिए गॉड बाइक है कि नहीं? क्या भाई साहब कल मैं क्या कह रहा था यार, मेरे लिए भी ये गॉड बाइक ही है। वो क्यों? क्योंकि भाई ये देख इसका कलर देख, पहली बात तो येलो कलर, और तुझे तो पता है मेरे को बर्गर पसंद है और बर्गर में भी येलो कलर होता है। अच्छा लेकिन इस पे तो रेड कलर भी है इस बाइक पे। हाँ तो बर्गर में भी तो रेड कलर होता है, रेड कलर की सॉस। मेरे को तो भाई ये गाड़ी देखने में थोड़ा बर्गर वाला फील दे रही है, इसलिए भाई मेरी तरफ से ये गॉड बाइक है। यार ये लोग कैसे कैसी बाइकों को गॉड बाइक बना रहे, भाई पिंचन तेरे लिए गॉड बाइक है कि नहीं? अरे मेरे को तो ये सबसे बकवास बाइक लगी यार, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये गॉड बाइक। पिछली बार उस पिंचन के बच्चे को सबसे बढ़िया लगी थी वो जंग लगी हुई बाइक, और इस बार इसे ये सबसे बकवास बाइक लग रही है। खैर जो भी हो गाइस, पता नहीं यार इन लोगों को कितनी अजीबो गरीब चॉइस है, तुम लोग जरूर बताना यार कमेंट में तुम्हारे लिए गॉड बाइक कौन सी है। बाकी अभी हम लोग चलते हैं इस जगह से, बिल्कुल ही यूनिक जगह पर हम लोग टेलीपोर्ट हो रहे हैं यार हर बार, बट हमारी बाइक अपग्रेड हो रही है ये ज्यादा बेटर चीज है। और अभी जल्दी से पोर्टल ढूंढते हैं, लगाते हैं उसके थ्रू जंप और फिर से किसी न्यू लोकेशन पर टेलीपोर्ट होते हैं और देखते हैं गाइस हम लोगों को नेक्स्ट बाइक कैसी मिलती है, मतलब हमारी जो ये बाइक अपग्रेड होकर कैसी दिखती है। बाकी पिछली बार हम लोगों ने गाड़ियों को एकदम मस्त अपग्रेड किया था और जो हमारे पास गॉड बाइक आई थी इन दी एंड बहुत ही बेस्ट लग रही थी लैम्बोर्गिनी टैरसो। बाकी पोर्टल, अरे ये है क्या पोर्टल? ओ यस, इसके नीचे से ही जगह है गाइस निकलने की, मुझे तो लग रहा है यही है पोर्टल पक्का। हाँ हाँ यहाँ इसके नीचे से तो मैं आराम से निकल जाऊंगा, बट निकलते ही गाइस मैं तो पानी में गिर जाऊंगा, अगर टेलीपोर्ट नहीं हुआ ना मैं सीधा पानी के अंदर गिरूंगा और बाइक खराब हो जाएगी। बट मुझे क्या लग रहा है गाइस यही शायद से पोर्टल है, ऐसा फीलिंग सी आ रही है। तो अभी बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लगाते हैं इस पोर्टल के थ्रू जंप
और देखते हैं कैसी होती है हमारी बाइक अपग्रेड और कहाँ होते हैं इस बार हम लोग टेलीपोर्ट। तो चलते हैं फुल स्पीड। अबे क्या है भाई टकले, रास्ते में आना जरूरी है भाई तेरा। ओके पीछे से वापस से जाना पड़ेगा। तो सामने है पोर्टल गाइस, भगाते हैं फुल स्पीड में, लगाते हैं जब, देखते हैं कहाँ होते हैं टेलीपोर्ट। ओके ओ वेट, ये कौन सी जगह है? एक सेकेंड भाई, समुद्र में ये आ गया मैं तो सीधे। ओके ओ सब ओ तेरी, ये कौन सी जगह पर डायरेक्ट टेलीपोर्ट हुआ यार मैं? भाई लिटरली मैं पिछली बार एकदम ऊंची ऊंची जगह पे जा रहा था, मेज बैंक बिल्डिंग का टॉप, माउंट जिलियार्ड का टॉप, ठीक है एक फैक्ट्री का टॉप, और यहाँ पर देखो गाइज आज ऐसी निकले हुए जगहों पे जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं टेलीपोर्ट करके गया पोर्ट पर, पोर्ट से टेलीपोर्ट किया तो अलग ही जगह पर पहुंचा, एक लंबी सी जगह जो समुद्र के अंदर निकली थी, और फिर वहां से टेलीपोर्ट किया तो फिर एक और अलग ही जगह जो कि समुद्र के अंदर निकली हुई है। मेरे को डर है भाई कहीं मैं बीचों बीच समुद्र के अंदर ही ना डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो जाऊं। खैर जो भी हो गाइस, यहां पर हमारी जो बाइक है वो एकदम नेक्स्ट लेवल की अपग्रेड हुई है इस बार तो कलर कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का है, डायमंड का कलर है और साथ ही गाइस ग्रीन ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। और इस वाली बाइक की एक स्पेशल बात बताता हूं मैं, नॉर्मली जो चेन्स होती है बाइक की, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा बाइक और साइकिल की जो चेन्स होती है, बस फर्क इतना होता है कि वो साइकिल वाली पतली चेन होती है और बाइक वाली मोटी चेन होती है, और सेम चीज होती है कि भाई यहां से चेन जाती है और पीछे बाइक के बीचों बीच एक मोटी सी चीज लगी रहती है गियर वगैरह, और वहां से अटैच हो जाती है वो चेन। बट ये वाली जो चेन है ये आगे से तो सेम है, बट पीछे गियर बॉक्स की जगह ये देखो गाइस पूरे व्हील के चारों तरफ लिपटी हुई है ये चेन। लिटरली में ये चेन घूमती है जब पूरा का पूरा ये व्हील घूमता है, तुम लोग देख रहे हो पीछे वाली व्हील के ऊपर वाली चेन, जब जब ये चेन घूमती है तब तब पीछे वाला व्हील घूमता है। अलग ही सीन है गाइस इस वाली बाइक का, बहुत ही ज्यादा स्पेशल एडिशन टाइप की बाइक लग रही है मुझे। भाई शिंजन और बिंजन, कितने लोग इस वाली बाइक के लिए गॉड बाइक बोलना चाहोगे? अरे मेरी तरफ से तो ये गॉड बाइक बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई पिंचन, क्या हो गया इस बाइक में? अरे मेरे को ये बाइक का आगे वाला हैंडल बिल्कुल पसंद नहीं आया यार, ये तो सींग जैसा हैंडल है, मोटे मोटे हैंडल। हाँ हैंडल तो इसका कुछ ज्यादा ही मोटा है, कोई बात नहीं भाई पिंचन तेरा तो हो गया। शिंजन भाई तेरे लिए गॉड बाइक है कि नहीं? अरे मेरे लिए भी गॉड बाइक है यार ये। अच्छा क्यों? अरे यार क्योंकि इसका पीछे वाला व्हील तो देखो, चेन क्या मस्त लगी पड़ी है। हाँ गाइस इसकी चेन वाली जो चीज है ना ये काफी ज्यादा स्पेशल है और काफी ज्यादा यूनिक एंड रेयर भी है, ऐसी चेन वगैरह चीजें नॉर्मल बाइक्स के अंदर नहीं दिखती है। बाकी चौप भाई तेरे लिए ये गॉड बाइक है कि नहीं? भाई साहब कल मेरे लिए गॉड बाइक बिल्कुल भी नहीं है। हैं भाई इस बार तो दो लोगों ने मना कर दिया। क्यों भाई चौप तेरे लिए गॉड बाइक क्यों नहीं है? भाई साहब तू देख रहा है इसके अंदर भाई जगह कितनी सी है, सिर्फ दो बंदे ही बैठ सकते हैं, मुझे ऐसी बाइक चाहिए जिसके अंदर कम से कम तीन बंदे बैठ सकते हैं। अबे यार क्या कितनी लंबी बाइक चाहिए तुझे? कितनी भी लंबी हो लेकिन तीन बंदे बैठने वाली जगह चाहिए, बताइए इसमें दो ही बंदे बैठ सकते हैं। खैर जो भी हो गाइस, तीन में से दो ने मना कर दिया गॉड बाइक बनाने से, फिर मैं तो भाई सही गॉड बाइक बना देता हूं, लिटरली मैं बहुत बेस्ट लग रही है बाइक। कोई बात नहीं चलते हैं जरा अपना पोर्टल ढूंढने के लिए, और पोर्टल ढूंढ के लगाते हैं जंप और फिर से इसे अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग तब तक अपग्रेड करते रहेंगे गाइस जब तक तीनों के तीनों हाँ ना बोल देगी भाई हाँ यही है सबसे बेस्ट बाइक और यही बनेगी गॉड बाइक, तब तक मैं अपग्रेड करता ही रहूंगा। बाकी इधर पोर्टल कहाँ है? आई डोंट नो गाइस, पोर्टल इस पर थोड़ा मुश्किल लग रहा है ढूंढना। अरे इसके नीचे से निकलते ही अपग्रेड हो जाएगी क्या अपनी बाइक? बट ऐसे तो काफी सारे चैम्बर्स बने हुए हैं यार, किसके नीचे से निकलूं मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, पोर्टल इसमें से है कौन सा? शायद इनमें से कोई सा भी ना हो, क्या पता ये वाला। ओ यस ये वाली चीज देखो यार, ये वाली चीज सिर्फ एक ही है, वरना ऐसे ऐसे चैम्बर तो देखो भाई लाइन से कितने सारे बने हुए हैं, बट ये वाला जो अगर तुम लोग चैम्बर देखोगे, इस वाले चैम्बर की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले चैम्बर की, ये सिर्फ इकलौता है। तो आई थिंक गाइस शायद से यही है रियल पोर्टल, तो चलते हैं पता चल जाएगा। बाकी अपने पास बाइक रेडी है, दो लोगों ने वोट करा, मतलब दो लोगों ने मना कर दिया है, एक ने ही वोट किया इसको गॉड बाइक बनाने के लिए, तो फिर से अपग्रेड करते हैं, चलते हैं फुल स्पीड, लेट्स अपग्रेड। और आ चुके हैं एक और न्यू लोकेशन और एक न्यू बाइक के साथ। भाई ये बाइक कितनी मस्त लग रही है, कलर क्या ओपी लग रहा है यार, ये बाइक का कलर देखो भाई, इसमें रेड कलर भी है, पर्पल कलर भी है, व्हाइट कलर भी है, येलो कलर भी है। भाई इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा है, लेकिन भाई चौप मुझे पता है तू इसको गॉड बाइक किसी भी कीमत पे नहीं बनाने वाला। क्यों भाई साहब कल इतनी बढ़िया बाइक तो है भाई, इसमें तो एक ही बंदे के बैठने की जगह है, तुझे तो तीन बंदों के बैठने वाली जगह चाहिए, इसमें तो दो भी नहीं बैठ सकते। भाई साहब कल वो शब्द मैं वापस लेता हूँ। क्यों भाई
क्योंकि बाइक देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। अच्छा तो चलो गाइस वोटिंग अभी से ही शुरू करते हैं। चलो भाई शिनचैन बता भाई ये गॉड बाइक है कि नहीं? अरे मेरे लिए तो गॉड बाइक नहीं है यार। हैं इस बार शिनचैन ने पलटी मार ली। क्यों भाई तेरे लिए गॉड बाइक क्यों नहीं है? अरे यार बस ऐसी ही पसंद नहीं आई मुझे ये बाइक। क्यों भाई जरा बता तो रीजन तो बता। अरे क्योंकि इसके बाइक के आगे हेडलाइट ही नहीं है यार। अगर मैं रात को ये बाइक चलाऊंगा और मैंने कहीं ठोक दी तो? हैं सच में हेडलाइट नहीं है? अरे है भाई लेकिन वो छोटी है हेडलाइट। क्या हो गया रोशनी तो फिर भी आती है उनमें से। अरे नहीं नहीं मुझे बड़ी बड़ी हेडलाइटों वाली बाइक पसंद है। अच्छा लो भाई ये तो शिनचैन नहीं मना कर दिया। भाई पिंचन तू बता। अरे मेरे लिए तो ये गॉड बाइक है यार। अच्छा पिंचन के लिए गॉड बाइक है। क्यों भाई तुझे क्या पसंद आ गया? अरे यार इस वाली बाइक का लुक देखो यार क्या ही खूबसूरत लग रही है। अच्छा इसको लुक पसंद आ गया। और भाई चौप तुझे क्या भाई साहब कल जरा तू एक बार इसकी स्पीड दिखा दे फिर मैं अपना डिसीजन बताऊंगा कि मेरे लिए ये गॉड बाइक है या फिर नहीं। ठीक है तुझे दिखाता हूँ स्पीड में। बाकी मैं ये सोच रहा हूँ गाइस पिछली बार मैं गाड़ी को अपग्रेड कर रहा था पोर्टल से जंप लगा रहा था तो पोर्ट हो रहा था और गाड़ी अपग्रेड हो रही थी बट हर बार ऊंची ऊंची जगहों पर जा रहा था और आज मैं जब जब टेलीपोर्ट कर रहा हूँ जब जब जंप लगा रहा हूँ जब जब मेरी बाइक अपग्रेड हो रही है मैं हमेशा समुद्र रिलेटेड और इस तरीके के रेंच निकला हुआ है ऐसी जगहों पर ही पहुंच रहा हूँ। सबसे पहले समुद्र के बीचों बीच एक अलग ही लंबी सी लाइन निकली हुई थी वहां टेलीपोर्ट हुआ पोर्ट पे। उसके बाद फिर एक और अलग ही जगह वो भी समुद्र में अलग ही लाइन निकली हुई थी वहां टेलीपोर्ट हुआ। उसके बाद पिछली बार गए देख लो भाई फिर से हम लोग एक अलग रेंच पर टेलीपोर्ट हुए और फिर से भाई यहाँ एक अलग रेंच। मुझे तो पता भी नहीं था लॉस सैंटोस में इतने सारी निकली हुई रेंच वाली जगह है बट आज पता चल गया कि भाई लॉस सैंटोस के अंदर कितनी सारी रेंचेस हैं। खैर जो भी हो भाई चौप क्या करना था तेरे लिए? अबे बाइक की टेस्टिंग। बाइक की टेस्टिंग? अबे बाइक की स्पीड टेस्टिंग यार। अच्छा ठीक है चलो गाइस बाइक की स्पीड टेस्टिंग कर लेते हैं। बाकी इस विलेज में मैं शायद आ चुका हूँ पहले भी पता नहीं। ओके स्पीड टेस्टिंग ना भाई चौप। अबे कितनी बार बताओ भाई कल। हाँ 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 ओके तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो गाइस बाइक को मैं लिटरली मैं फुल स्पीड में भगा रहा हूँ। ओ भाई साहब स्पीड तो काफी अच्छी है यार इस वाली बाइक के लिटरली में। सामने एक बंदा जा रहा है देखो कितनी इजीली मैंने पीछे छोड़ दिया। चौप भाई बता स्पीड टेस्टिंग अब तो हो गई बता कितनी रेटिंग मिलेगी इस बाइक को? अब आज साहब कल मेरी तरफ से यस है भाई मेरी तरफ से ये गॉड बाइक है। अच्छा तो गाइस यार इस बार ऑलमोस्ट ये वाली बाइक गॉड बाइक बनते बनते रह गई क्योंकि पिंचन ने भी इस वाली बाइक को गॉड बाइक बनाने के लिए यस बोल दिया और चौप ने भी बट शिनचैन ने मना कर दिया। शिनचैन का कहना है कि इसके आगे हेडलाइट नहीं है ढंग की इसीलिए ये गॉड बाइक नहीं है। कोई बात नहीं तो जल्दी से अभी चलते हैं वापस उसी जगह पर जहां पर हम लोग आए थे क्योंकि भाई पोर्टल जाहिर सी बात है उसी जगह पर ही होगा। लेकिन वो जगह कहाँ गई? क्या बात है कल हमसे क्या पूछ रहा है तो खुद ढूंढ इतनी ज्यादा फास्ट भगाते हुए आया है तू। वो वाली जो जगह है आई थिंक ये है क्या? हाँ ये तो रिवो वाली जगह। चलो गाइस अब जल्दी से इधर पोर्टल ढूंढते हैं और जंप लगाते हैं वापस से बाइक को अपग्रेड करते हैं और साथ में टेलीपोर्ट भी करते हैं। बट मेरे से अगर पूछो तो मैं तो भाई इस वाली बाइक को गॉड बाइक बना देता हूँ बहुत बेहतरीन लग रही है। तेर तक कोई पूछ ही नहीं रहा है अब चल जंप लगा। ओ ये तो रहा पोर्टल। भाई मेरी नजर कैसे नहीं गई मैं यहीं से आगे गया हूँ पता नहीं। ये तो रहा पोर्टल। चलो गाइस फिर से पोर्टल से लगाते हैं जंप और देखते हैं कैसी अपग्रेड होती है हमारी बाइक। ओके वेट ये क्या है? ओ तेरी। तो गाइस यहाँ पर एक और बार हम लोग एक न्यू बिल्कुल ही ब्रांड न्यू लोकेशन पर आ चुके हैं और ये ओ वेट ये भी समुद्र के अंदर निकली हुई चीज है। भाई आज हम लोगों ने जिस जिस जगह पर भी टेलीपोर्ट किया वो सारी जगह जो है भाई समुद्र के बाहर ही निकली हुई थी लिटरली में। और ये सबसे फेमस जगह है जो समुद्र के बाहर निकली हुई है ये सबसे फेमस रेंच है और हम लोग उसी पर आए हैं एंड में। और मुझे तो ये बाइक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लग रही है शायद ये गॉड बाइक हो सकती है। आई डोंट नो भाई मेरे लिए तो भाई अभी से ही गॉड बाइक है जिस हिसाब से ये दिख रही है बाइक लिटरली में बहुत ज्यादा क्रेजी लग रही है। बट मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ? वेट नीचे क्यों चला गया मैं? आई डोंट नो मैं नीचे क्यों गया हूँ बट इस वाली बाइक को चलाने में क्या मजे आ रहा है यार तुम लोग देखो तो सही अलग ही लेवल का फील भाई साहब। इधर से राइट ओके ऊपर वापस से चढ़ाते हैं इसे। चढ़ाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। चढ़ जा बहुत ही बढ़िया चढ़ गई ऑलमोस्ट अटक गई। अरे अटक क्यों रही है ये कोई बात नहीं फुल स्पीड और ये आ गए हम लोग फाइनली ऊपर। तो अभी जल्दी से गाइस इसको लेकर चलते हैं और जरा इसकी स्पीड टेस्टिंग करते हैं। आई थिंक गाइस मुझे नहीं लगता शिनचैन पिंचन और चौप तीनों में से कोई भी होगा जो इस वाली बाइक को गॉड बाइक बनाने से रोक सकता है। शिनचैन पिंचन और चौप भाई वोटिंग स्टार्ट की जाए बताओ भाई कौन इसको कितने वोट्स देना चाहेगा?
अब आज साहब कल मेयर से स्टार्ट की जाए तो भाई मेरी तरफ से तो यह सब भाई ये गॉड बाइक बनने के बिल्कुल लायक है भाई। इससे बढ़िया कोई बाइक हो सकती है क्या दुनिया में? देख तो सही भाई पहिए कितने सारे हैं, इसके सामने तो भाई बड़ी बड़ी गाड़ियां फेल है यार। तू लुक तो देख एक बार गाड़ी की। हाँ तो मैं कहाँ कह रहा हूँ बेकार है ये लुक। हाँ तो फिर ये गॉड बाइक है मेरी तरफ से। अच्छा भाई पिंजन तेरी तरफ से बता भाई। अरे यार मेरी तरफ से भी ये गॉड बाइक है यार, इतनी ज्यादा बेस्ट बाइक और इतने ज्यादा पहियों वाली बाइक तो मैंने पहली बार देखी है यार, मेरी तरफ से भी गॉड बाइक। ओके तो यहाँ पर गाइस पिंचन ने भी इसे गॉड बाइक बना ही दिया है। अब लास्ट बचा शिनचैन जिसकी वजह से पिछली वाली बाइक गॉड बाइक नहीं बन पाई। खैर जो भी हो शिनचैन भाई बता क्या ये गॉड बाइक बनने के लायक है या फिर नहीं? अरे एक बार जरा इसकी स्पीड दिखाओ यार। अबे इसकी स्पीड देखनी है, इसकी इतनी ज्यादा फास्ट वाली बाइक है फिर भी इसे स्पीड देखनी है। देख भाई शिनचैन देख तू स्पीड देख इसकी, इतनी ज्यादा कि मैं रोक भी नहीं पा रहा इसे। अरे हाँ यार स्पीड तो काफी ज्यादा अच्छी है, मेरी तरफ से भी गॉड बाइक है यार पक्का। ओके तो यहाँ पर फाइनली गाइस शिनचैन ने भी इसे गॉड बाइक बना दिया है। अब तुम लोग बताओ जाकर कमेंट में गाइस के क्या तुम लोगों के लिए ये गॉड बाइक है या फिर नहीं। वैसे अभी तक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो तुम लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी कभी जाओ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर दो कर न्यू अपडेट्स के लिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वैसे कुछ भी कहो भाई इस वाली बाइक से टकराते ही कोई भी गाड़ी टूट फूट की जाती है इजिली। पहली बार मैं देख रहा हूँ भाई बाइक और गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है और गाड़ियां उड़ रही है बाइक की बजाय। ये देखो